हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हीरो एक्सेंस टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों कई दिनों से एडवर्टाइजमेंट आपने देखी होगी, न्यूज़ में भी देखा होगा, उसके अलावा हर जगह वेबसाइट से लेके आपको एक्सेंस देखने को मिल रहा होगा। यानी BS6 की, हीरो की जितनी भी BS6 वाली बाइक्स आने वाली हैं उसमें एक चीज़ कॉमन है, एक्सेंस टेक्नोलॉजी। तो ये एक्सेंस टेक्नोलॉजी आखिर है क्या, तो इस बारे में हम इस वीडियो में पता करेंगे। तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बटन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसी जो वीडियोस होती हैं टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत भट्ट और आप देख रहे हैं मोटो दोस्त। तो दोस्तों पहला पॉइंट की बात करें तो पहले पॉइंट में आप ध्यान से देख रहे होंगे प्रिसाइज फ्यूल कंजप्शन लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है कि जितना एक्यूरेट आपके इंजन को रिक्वायरमेंट है फ्यूल की, दो सेंसर की हेल्प से, पहला सेंसर है ऑक्सीजन सेंसर और दूसरा है क्रैंक पोजीशन सेंसर, ये दो सेंसर की हेल्प से आपके इंजन को ECU की मदद से जो FI है वो एक्यूरेट आपके इंजन को फ्यूल और एयर का मिक्सचर प्रोवाइड कराएगा। ओटू सेंसर की बात करें तो ओटू सेंसर देखिए सभी बाइकों में आपने देखा होगा, आपका एग्जॉस्ट में आपको मिल जाता है, इमेजेस भी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। तभी कहते हैं कि कार्बोरेटर के मुकाबले जो FI टेक्नोलॉजी है कहीं ना कहीं आपके फ्यूल को काफी ज्यादा सेव करती है। दोस्तों अब बात करें दूसरे पॉइंट की तो आप देख रहे होंगे इसमें लिखा है सेव्स पेट्रोल, तो यानी बात से पता लगता है कि सेव्स पेट्रोल। तो दोस्तों इसके लिए I3S सेंसर यूज किया जाता है और I3S सेंसर के बारे में आपको पहले से पता होगा। इसमें क्या होता है कि I3S का ऑप्शन मिलता है, बटन भी मिलता है, जब आप इसको ऑन कर लेंगे, मान लीजिए आप कहीं रोड पर जा रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल पर रुके हुए हैं, तो होगा क्या, 5 सेकंड के बाद ही जो आपका इंजन है ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा, यानी इंजन कट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप क्लच दबाएंगे तो दोबारा से आपका जो इंजन है वो शुरू हो जाएगा। इससे होता है क्या है कि जो आपका फ्यूल है काफी ज्यादा सेव होता है और कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को भी इस चीज से थोड़ा बहुत फायदा होता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो है इंस्टेंट पिकअप, और इंस्टेंट पिकअप के नीचे ध्यान से देख रहे होंगे तो वो है थ्रोटल सेंसर। हाँ जी दोस्तों, इसमें थ्रोटल सेंसर काम करता है। बेसिकली होता क्या है कि आपके थ्रोटल सेंसर की हेल्प से आपको जो पावर होती है वो इंस्टेंटली मिल जाती है, यानी एकदम से ही आपको पावर मिल जाएगा। अगर हम बात करें कार्बोरेटर की तो कार्बोरेटर से भैया थोड़ा सा टाइम लगता है, मिनी सेकंड्स का टाइम लगता है, आपको पता नहीं लगता है, लेकिन FI के मुकाबले मिनी सेकंड का टाइम लगता है। अगर आप एक ही कंपनी की एक जैसी बाइकों को आपस में कंपेयर करेंगे कार्बोरेटर वर्सेस FI तो आपको फर्क देखने में पता लग जाएगा, तब आपको आसानी से यह फर्क देखने को पता लग सकता है। दोस्तों अब आते हैं चौथे पॉइंट में, तो चौथा पॉइंट है इजियर अपहिल क्लिम। तो दोस्तों नाम से पता लग रहा होगा, इसमें आपका जो सेंसर की अगर हम बात करें तो सेंसर वर्क करता है मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर आपका काम करता है। तो दोस्तों इसका फायदा क्या है, मान लीजिए आप 40 की स्पीड में, लेकिन एक चढ़ाई वाला रास्ता आ जाता है, एक हिल आ जाता है, लेकिन क्या होता है कि आप उतनी ही रेस दे के रखते हैं, उतना ही थ्रोटल दे के रखते हैं, लेकिन जो आपकी चढ़ने की रफ्तार है वो कम हो जाती है। यानी आप 40 km/h की स्पीड से जा रहे थे, लेकिन आपकी मान लीजिए, मानने की बात कर रहा हूँ, आपकी जो स्पीड है वो 30 km/h तक की हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें आपके इस सेंसर से क्या फ़ायदा होगा, तो मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर से क्या होगा कि आपकी जो 40 की रफ्तार है वो आपकी 40 की ही रहने वाली है। तो ये आपकी जो रफ्तार को कहीं ना कहीं मेंटेन रखेगा, चाहे जितना मर्जी बड़ा पहाड़ आ जाए, आपकी जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं ये सेंसर की वजह से मेंटेन रहने वाली है। तो काफ़ी ज़्यादा इस सेंसर का फायदा है हमें। फिफ्थ पॉइंट है हाई टेम्परेचर कंट्रोल। तो दोस्तों इसके लिए आपका काम करेगा इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर आपका वर्क करेगा। अब दोस्तों नाम से ही पता लग रहा है कि जो आपका इंजन ऑयल है कहीं ना कहीं इन सेंसर की हेल्प से आपका ठंडा रहेगा। यानी एक तो फ़ायदा ये होगा कि आपका इंजन जो आपका इंजन ऑयल है वो आपका ठंडा रहेगा, दूसरा फ़ायदा ये है कि आपके इंजन ऑयल की विस्कोसिटी कहीं ना कहीं मेंटेन रहेगी। तो दोस्तों सिक्स पॉइंट है बेटर पुलिंग पावर, और बेटर पुलिंग पावर के नीचे लिखा है व्हीकल स्पीड सेंसर। तो दोस्तों व्हीकल स्पीड सेंसर इसमें काम करेगा। इसमें क्या होता है फायदा, आपका रियर टायर पे मान लीजिए 60 किलो 140 किलो का वजन है, तो उस चीज़ को वो सेंस करेगा कि कितना वजन है उसमें, और उससे सेंस करके वो आपका इंजन तक मैसेज पहुंचाएगा कि इतनी पावर चाहिए, इतनी पिकअप चाहिए। यानी कहीं ना कहीं आपकी पावर और पिकअप को मेंटेन करने की कोशिश करेगा आपके लोड के अकॉर्डिंगली। यानी अगर आप 2% बैठे हैं, 1% बैठे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी पिकअप पावर को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों सेवंथ और एट पॉइंट की बात मैं इकट्ठे कर लेता हूं क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के लिए एक ही सेंसर वर्क करता है। तो दोस्तों सेवंथ पॉइंट है हाई लैटिट्यूड राइडिंग, और एट पॉइंट है इन ऑल वेदर इजी स्टार्ट, यानी कोल्ड स्टार्ट भी आप इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता लग रहा होगा इसके लिए एक सेंसर काम करता है, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। तो दोस्तों अगर हम बात करें हाई लैटिट्यूड की, तो दोस्तों आपको पता है कि हाई लैटिट्यूड में जो आपका ऑक्सीजन होता है वो कम होता है, तो वहां पे हेल्प क्या करेगा कि आपको पता ही है कि आपकी जो BS6 वाली बाइक है, FI वाली बाइक है, इनमें चौक नहीं है। तो मान लीजिए आपने स्टार्ट किया
और आपको क्या होता है कि हाई लैटिट्यूड में गए हैं तो आपको पहले स्टार्ट करने से पहले आपको चौक देना पड़ता है, तो चौक देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जस्ट स्टार्ट करिए, आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी, आपके इंजन को कितनी फ्यूल की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो आपके इंजन में फ्यूल भेजेगा, यानी ऑटोमेटिकली आपके इंजन में चौक लग जाएगा, आपकी बाइक पे चौक लग जाएगा और ऑटोमेटिकली वो चौक थोड़ी देर में हट जाएगा, यानी आपकी बाइक को स्टार्ट कर देगा प्रॉपर ढंग से, आपको किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देने पड़ेंगे अपनी बाइक को स्टार्ट करने में। और जैसे होता है क्या है कि कहते हैं कि आप हिल एरिया में जब जाते हैं तो आपके इंजन को ज़्यादा फ्यूल चाहिए होता है, तो हाँ आपके इंजन को एक्स्ट्रा फ्यूल जो है वो ऑटोमेटिकली पहुंचने लग जाएगा, आपको अलग से कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। और कार्बोरेटर की बात करें तो अलग से आपको फ्यूल सेटिंग करनी पड़ती है, तो ऐसी कोई भी फ्यूल सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपकी वो सेटिंग हो जाएगी। और कोल्ड स्टार्ट के टाइम तो आपका ऑटोमेटिकली चौक लग जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कोई भी चौक देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों नाइन्थ पॉइंट की बात करें तो वो है इंजन कट ऑफ एट फॉल, तो यानी आपको सुन के ही पता लग रहा होगा, इसमें आपका बैक एंगल सेंसर यूज होता है, तो इसमें आपको पता लग रहा होगा जैसे ही आपकी बाइक गिरेगी आपका इंजन कट ऑफ हो जाएगा, यानी आपका इंजन बंद हो जाएगा। और होता है क्या है कि मान लीजिए कई बार क्या होता है कि आपकी बाइक गिरती है और स्टार्ट ही रहती है, गलती से आप जैसे ही उठाते हैं थ्रोटल लग जाता है और आपकी बाइक दोबारा से कहीं ना कहीं ठुक जाती है, तो उस चीज़ को रोकने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे ही मान लीजिए गलती से आपकी बाइक गिर जाती है तो ऑटोमेटिकली जो आपका इंजन है वो स्विच ऑफ हो जाएगा, तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है, एक्सीडेंट्स वगैरह में भी इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों ये है 9 पॉइंट्स 9 सेंसर, जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें 2 सेंसर काम करते हैं, और मैंने जो आपको बताया 7th और 8th पॉइंट है इसमें आपका एक ही सेंसर दोनों काम करता है, तो टोटल 9 पॉइंट्स हैं और 9 सेंसर इस चीज़ में वर्क करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको इससे बेनिफिट होने वाला है। लेकिन अगर बात करें कि इसका नुकसान क्या है, तो देखिए मेरे हिसाब से तो अभी तक कोई नुकसान नहीं है, हाँ थोड़ा सा एफ आई खर्चीला पड़ता है और उसके अलावा चौक जैसी कोई चीज़ इसमें होती नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कस्टमर कहते हैं कि इसमें चौक होना चाहिए, तो हाँ दोस्तों इसमें चौक नहीं होता है। उसके अलावा बात करें तो हाँ दोस्तों एक चीज़ और भी है कि आपको थोड़ा बहुत इसमें फ्यूल मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए होता है क्या है कि इसमें FI का पंप लगा होता है, अगर पंप मान लीजिए बिना पेट्रोल के चल जाए, झटके से आप इसको चलाते रहते हैं, बार बार चलाते रहते हैं, तो ओवर हीट होकर खराब भी हो सकता है। दैट्स वाई आपको थोड़ा बहुत जो पेट्रोल होता है वो 1 लीटर एटलीस्ट 1 लीटर आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, जितनी भी आपकी BS6 वाली या FI वाली बाइक्स आ रही हैं, तो आदत बना लीजिए, क्योंकि चौक वाला बटन नहीं है, रिजर्व वाला बटन नहीं है, तो आदत बना लीजिए कि आपको 1 लीटर का जो पेट्रोल है वो एटलीस्ट अपनी बाइक्स में मेंटेन करके रखना ही रखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो जल्दी से कमेंट्स कर करके पूरा जो कमेंट सेक्शन है वो भर दीजिए और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।